लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। प्रवासी अपने घर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो पैदल ही घर की ओर निकल पड़ रहे हैं या फिर किसी अन्य साधन से। ये मंजर दिल दहला देने वाला है, लेकिन फिर भी इस संकट के समय में सबके हाथ खाली हैं। सरकार मदद कर रही है, लेकिन सभी की एक साथ मदद नहीं की जा सकती। थोड़ा तो सब्र रखना ही होगा। इस बीच बहुत सी सकारात्मक तस्वीरें भी देखने को मिली, जिनकी वजह से वो कथन सही लगता है कि ये बुरा वक्त है जो टल जाएगा, फिर इंसानियत जीत जाएगी। अब मध्य प्रदेश से ही एक इंसानियत को जिता देने वाली तस्वीर सामने आई, जब शिवपुरी झांसी के फोर लेन से एक ट्रक गुजर रहा था, जिसमें सवार अमृत की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, जिस पर लोगों को अमृत के कोरोना संक्रमित होने का शक हुआ तो उन्होंने विरोध जताते हुए अमृत को ट्रक से उतार दिया। यहाँ देखिए, अमृत का दोस्त याकूब मोहम्मद भी उसके साथ ही ट्रक से उतर गया। ये है इंसानियत, जिस पर इस दुनिया में लाख बुराइयां क्यों ना हो, फिर भी पृथ्वी टिकी हुई है। ट्रक से उतारे जाने पर अमृत बेहोश हो चुका था। दोस्त का सिर अपनी गोद में रखे याकूब रो रहा था। अमृत का हाथ थामे उसका सिर अपनी गोद में रखे याकूब सबसे मदद मांग रहा था। लोगों ने अमृत और याकूब को ऐसी हालत में देखा तो उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तुरंत ही वेंटिलेटर पर रख दिया। लेकिन अफसोस, अमृत की जान नहीं बचाई जा सकी। अमृत ने जिला अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। याकूब ने बताया कि वो और अमृत दोनों गुजरात के सूरत स्थित एक फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई। सूरत से ट्रक में 4,000 रुपए देकर नासिक इंदौर होते हुए कानपुर लौट रहे थे, तभी रास्ते में अमृत की तबीयत बिगड़ गई। अमृत को तेज बुखार आया और उल्टी जैसी स्थिति बनने लगी, जिसके बाद अमृत को ट्रक से उतार दिया गया और उसके साथ मैं भी उतर गया। अमृत और याकूब दोनों का कोरोना का टेस्ट किया गया है, रिपोर्ट का इंतजार है। तभी पता चलेगा कि अमृत की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई या फिर भूख और गर्मी में तड़प कर उसने जान दे दी।